हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत साय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को 2 वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने बद्दी में फार्मा परीक्षण केंद्र शीघ्र स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की, जिससे स्थानीय फार्मा उद्यमियों को राज्य में ही उनके उत्पादों के परीक्षण करने में सहायता मिलेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने के प्रयासों के बारे में विस्तृत चर्चा की और आयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरकोला में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के निजी ट्रांसपोर्टर्स की कठिनाइयों से अवगत है और सरकार ने इसके दृष्टिगत उन्हें अनेक रियायतें प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 18 सीटें तक की क्षमता वाली बसों के लिए रियायती कर दरों पर परमिट दिया जाएगा। इसके तहत 107 रूटों की पहचान कर उन्हें विज्ञापित किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही ऐसे अन्य रूटों को विज्ञापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रांसपोर्टरों को हुई कठिनाइयों से अवगत है और इस महामारी के दौरान ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस महामारी के दौरान सभी व्यावसायिक वाहनों के 100% कर में राहत प्रदान की और कार्यशील पूंजी पर व्यय सबवेंशन योजना के तहत स्टेज कैरेज ऑपरेटरों को अपनी बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 करोड़ रूपए की ऋण राशि प्रदान की गयी। उन्होंने कहा कि अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं ने महामारी के इस कठिन दौर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में राज्य सरकार की सहायता करने और साथ ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को है तो बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल प्रभावित हुआ और उसके कारण उनको कठिनाई के दौर में से निकालने के लिए मदद करनी चाहिए, हम सोचते तो रहे लेकिन कितने तक कर पाएंगे, ये सारी चीज को लेकर के बहुत कठिन हो गई। पूरे देश भर में क्योंकि कोविड तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आया, पूरे देश में और पूरे देश भर में अगर ट्रांसपोर्टर को अगर टैक्स की माफी हुई है, उनको सहयोग हुआ है, मदद हुई है तो मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12 महीने की हुई है, 1 साल की हुई है। लेकिन जब हमने इस बात को देखा कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ ये वर्ग हमारा, मदद थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश संभवतः पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां पर हमने 20 महीने के लिए आपको और उसमें लगभग 160 करोड़ के करीब जो है जो मदद आपको तक हम पहुंचा सकते, जो मदद कर सकते जो हमने करने की कोशिश। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व के कारण ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मजबूत नेतृत्व के कारण ही हाल ही में घोषित 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने 4 में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल कैरियर सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने कुथारना और तत्वानी में पशु औषधालय खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंग के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाहपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण का मामला शीघ्र ही भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित कर इसे रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ये बात आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा, टेक्नोलॉजी का दौर जीवन में लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
जो ड्रोन का जो नया कॉन्सेप्ट और जिसके लिए विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर के साथ आग्रह किया है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में कर सकते हैं और उसके लिए ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर की आज विधिवत यहाँ पर शुरुआत हुई, उसका उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और अब की बार हमने बजट, क्योंकि बजट सत्र आजकल चल रहा है, तो बजट सत्र के अपने अभिभाषण में भी इस बात का हमने जिक्र किया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे आने वाले समय में कर सकते हैं। हम हिमाचल प्रदेश में 4 ड्रोन फ्लाइंग स्कूल जो है खोलने वाले हैं, जिसका हमने जिक्र किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह किया है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे हेल्थ का सेक्टर है, चाहे हमारा रेवेन्यू का सेक्टर है। रेवेन्यू में भी आपने इस बात को देखा होगा कि जो स्वामित्व योजना जो चल रही है, उसकी सारी टोटल जो मैपिंग है वो सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसके साथ में महत्वपूर्ण उसमें भूमिका अगर है तो वो ड्रोन की। आने वाले समय में, क्या वर्तमान समय में ये स्थिति आ गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम जो है ड्रोन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फसल में स्प्रे करने की बात है, फसल की निगरानी की दृष्टि से पूरा उसकी मैपिंग करने की अगर ज़रूरत है उस सारी चीज़ के लिए, और उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेडिसिन का जिसका खासतौर से जिक्र किया है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और पहुंचाने के साथ साथ में जो लैब की जो सुविधा, टेस्ट की जो सुविधा है उसमें वो सैंपल को भी इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में पहुँचाने के लिए ड्रोन की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, इस टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि ये न केवल किफायती है बल्कि ये समय की बचत भी करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्रोन तकनीक युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और युवाओं को इस तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।